Hello guys, good morning. This is Maggie Raj here and today I am going to get discuss about the vector form of Coulomb's law. Okay, so this is x and y axis. Here this is origin and two charges Q1 and Q2 placed at the position of 1 and 2 just like A and B. Okay, these are the seems like charges. Okay, so force on 2 due to 1 is equals to F21 and force on 1 due to 2 that is F12. Okay, ध्यान रखिएगा यहाँ पर like charges हैं, repulsive force इस तरीके से outward होगा, तो 2 पर जो force होगा किसके through? 1 के through, that is outward F21. यहाँ पर हम शो कर देंगे F21 is equals to force on 2 due to 1. In the same way, अगर हम F12 को रिप्रेजेंट करें तो ये क्या हो जाएगा, F12 is equals to force on 1 due to 2. Okay? अब हम इनके लिए अलग अलग पोजिशन दिखाया. देखिए ओ ए बी, ये हमने कंडीशन लिया. अगर हम इसको दो बार डायग्राम में मैंने शो कर दिया है यहाँ पर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, तो जैसी जो जरूरत पड़ेगी मैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, जब हम ओ से ये स्ट्राइक को चलते हैं ओ ए फिर ए बी और यहाँ स्टॉप किए, तो इनिशियल टू फाइनल यही वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, मीट करते हैं तो ये डायरेक्शन होगी. इट मीन्स ओ ए प्लस ए बी इक्वल्स टू ओ बी. So AB equals to OB minus OA, ये आ जाएगा. AB क्या है, A है 1 और B क्या है 2, so इसको हम 1 2 लिखेंगे, लेकिन ये displacement है so हम इसको R से denote कर देंगे. So OB is equals to R2 and OA is equals to R1. So R21 means R12 is equals to R2 minus R1, ये value मिली. तो अब देखिए यहां से अब अगर हमने ट्रैक चेंज किया, ओ से बी में गए, बी से ए में आए, तो यहां पर स्टॉप किया, तो इनिशियल टू फाइनल ये पॉइंट मीट करेंगे. सो अब की बार हो जाएगा ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर इक्वल्स टू इनिशियल टू फाइनल रिजल्टेंट यानी ओ ए मिलेगा. सो अब बी ए वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, और बी क्या है, 2 है, तो दिस इज 2 एंड ए इज 1, सो इट डिनोटेड बाय R21 इज इक्वल टू R1 माइनस R2. अब ये डिस्प्लेसमेंट की यूज होंगे R12 और R21 का जब हम इन फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे. सो देखिए R12 की डायरेक्शन क्या है, R12 एंड R21. देखिए बस सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म कैलकुलेट कर रहे हैं और वेक्टर फॉर्म में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज यही है कि डायरेक्शन एग्जैक्ट होनी चाहिए. अब देखिएगा जब हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं 2 पर 1 के थ्रू F21, तो F2 पर 1 इस तरीके से चलकर लगाने जाएगा फोर्स, जैसे 2 आगे है और 1 पीछे है, 2 पे फोर्स निकाल रहे हैं किसके थ्रू, 1 के थ्रू, तो 1 उस पर इस तरीके से पुश करेगा जाकर के, तो ये ऐसा जा रहा है, तो डिस्प्लेस किधर से हुआ, 1 से 2 की तरफ. ओके, तो R12 मतलब 1 से 2 की तरफ. देखिए AB क्या था, A से B मतलब AB ये ट्रैक लिया, तो AB को हमने किससे डिनोट किया, 1 2, और अगर हम फोर्स 1 पर निकाल रहे हैं 2 के थ्रू, तो ये किधर से चलता हुआ आएगा, इधर से इस तरीके से जाएगा, तो डिस्प्लेस्ड क्या यूज होगा, बी ए, जो हमने ये निकाल लिया है. तो पहले हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं, R12 की डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी, ये डिस्प्लेसमेंट है. ओके, और R21 है मतलब फ्रॉम बी टू ए, ये डिस्प्लेसमेंट है. तो ध्यान रखिएगा जो डायरेक्शन फोर्स की है उसी डायरेक्शन का ही डिस्प्लेसमेंट यूज होना चाहिए. तो नाउ वी नो दैट F इक्वल्स टू
1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. So first of all, we are going to get discussed. This is F21 force. So F21 जब use करेंगे तो यहाँ r जो use होगा इसी की direction वाला होगा और इसी की direction वाला मतलब a to b. It means ये r12 square. और स्क्वायर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए इसको मैग्नीट्यूड में लिख दिया है. और यहाँ पर हम डायरेक्शन की वजह का को ही हम डिस्कस कर रहे हैं. सो हियर यूज वेक्टर फॉर्म आर वन टू यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है और इसकी वैल्यू होती है कोई भी यूनिट वेक्टर की, वो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. ओके, सो वी कैन राइट दिस F21 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r12 square into r12 vector upon r12 vector का mod. तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 r12 upon r12 का cube. So, R12 की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर होल क्यूब. ओके, सो अगेन यू कैन राइट दिस F21 वेक्टर इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1 होल क्यूब. ओके, ये आया. देखिएगा एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं. हियर टू चार्जेस q1 एंड q2 प्लेस्ड एट द पोजीशन 1 एंड 2 आर द लाइक a एंड b पॉइंट. हियर o इज ओरिजिन इन दिस एक्सिस x एंड y एंड देयर पोजीशन वेक्टर्स oa इज इक्वल टू r1 एंड ob इज इक्वल टू r2. हियर विल कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन द स्पेसिफिक कंडीशन जस्ट लाइक a टू b और b टू a by these diagrams. Okay? जब हम इस ट्रैक से ऐसे जाएंगे एंड तो इसका रिजल्टेंट ये होगा, और जब हम इस तरीके से आएंगे ऐसे तो इसका रिजल्टेंट ये होगा. दोनों ही सिचुएशन से हम R12 और R21 की वैल्यू सॉल्व किया. यहाँ पर हमने ये भी शो कर दिया है कि F21 क्या है, फोर्स ऑन टू, जो जिस पर फोर्स निकाल रहे हैं वो सिंबल पहले लिख दिया है. ओके, और जिसके थ्रू निकाल रहे हैं वो बाद में, ठीक है ना, कि जिस पर निकाल रहे हैं पहले उसी को दर्शा दें उसी पॉइंट पर, जिनके थ्रू आ रहे हैं वो बाद में. इसी तरीके से F12 फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू. अब देखिएगा जब F21 की डायरेक्शन ये है तो F21 फोर्स में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इधर की तरफ. इधर की तरफ मतलब A टू B, A B, A B दैट इज इक्वल टू R12. और जब इधर की तरफ फोर्स यूज करेंगे R12 तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट B टू A होगा. B A मीन्स R21. So force equals to Coulomb's law is equals to Coulombic force equals to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. So F21 is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r12 whole square, and whole square is value is always positive. So we can write this as a modulus form, and this unit vector represents the direction of force. So we can write this r12 unit vector, and we know that unit vector is equals to vector upon its magnitude. So we can write this. And finally, F21 is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r12 whole square into r12 upon r12 cap. तो यहाँ पर ये value हो जाएगी cube, और ये value simple ऐसी रहेगी, और r12 की value हम पीछे solve कर चुके थे r2 minus r1. Okay? Now we are going to get discuss the force F12. F12 equals to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 upon 1 to force on 1 due to 2. इधर की direction है, तो displacement b to a आएगा, it means r21 पीछे निकाल चुके हम whole square, and r21 का unit vector. तो ये value हो जाएगी 1 to equals to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2
upon R21 whole square into R21 vector upon R21 mod. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, F12 vector equals to 1 by 4 by epsilon naught Q1 Q2 R21 vector upon R21 cube. And you can write this value F12 equals to 1 by 4 by epsilon naught Q1 Q2, and this value is equals to R21 is equals to R1 minus R2 upon R1 minus R2 whole cube. So here F12 equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2, and minus sign common from here, so minus sign is taking outside. This is equals to R2 minus R1. जब हम यहाँ से minus निकाल लेंगे तो minus वाला plus हो जाएगा और plus वाला माइनस हो जाएगा. अपॉन मॉड के अंदर जब हमने माइनस कॉमन लिया तो आर टू माइनस आर वन वेक्टर और बाहर होल क्यूब. और यू नो दैट मॉडुलस वैल्यू चाहे नेगेटिव का हो चाहे पॉजिटिव का हो, पॉजिटिव ही होता है. तो ये टर्म तो पॉजिटिव ही रहेगा, इस नेगेटिव का मॉड होने से पॉजिटिव ही हो जाएगा. सो एफ वन टू इज इक्वल टू माइनस वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू R2 minus R1 upon R2 minus R1 whole cube. And you are looking here, this value is equals to F21 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 R2 minus R1 vector upon R2 minus R1 whole cube. So this is equals to F21. So vector form of the Coulomb's law represents that force on 1 due to 2 or force on 2 due to 1. इस पर फोर्स इसके थ्रू देखें या इस पर फोर्स इसके थ्रू देखें, दोनों भी इक्वल होंगे बट डायरेक्शन में अपोजिट होंगे. ओके, देखिए F12 equals to minus F21. So वेक्टर फॉर्म से अब हमने कूलम्स लॉ का प्रूफ कर लिया. ओके, so here force will be equal on the charges but opposite in direction. Clear? Thank you.